हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30x80 में दो ब्लॉक का मकान आप किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट की। फ्रंट यहाँ से 30 फिट है, यहाँ पर आपको एक मेन गेट मिलता है। मेन गेट से आप जैसे अंदर जाते हैं, यहाँ पर 10 फिट का वाइड फ्रंट लॉन दिया गया है। यहाँ पर जो फ्रंट लॉन है आप देख लेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी गार्डनिंग वगैरह हो जाएगी। 3 फिट का वाइड प्रोजेक्शन है यहाँ पर स्लैब का, ये हमारा प्रोजेक्शन रहेगा। यहाँ से जैसे हम जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो इस पोर्शन पर आप देखिए, पहले इस पोर्शन में हमारा यहाँ पर आपको एक 7 फिट वाइड पोर्च मिलता है। आगे भी सामने जगह है, इस कारण पोर्च का ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं है। बाकी 7 फिट सफिशियंट होता है, जिसमें आप पार्किंग अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से आपका ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम है 11 फिट 8 इंच बाय 18 फिट 6 इंच का आपका, जो कि यहाँ पर पूरा एक अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे आप यहाँ से गार्डन से अंदर जाते हैं, यहाँ से आर्च है, इस आर्च से आप अंदर जाएंगे घर में और आपको यहाँ पर डाइनिंग वगैरह मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़कर देख लेते हैं, यहाँ से हम लॉबी में पहुँचते हैं। डाइनिंग स्पेस में 16 फिट 4 इंच बाय 17 फिट 2 इंच का है ये आपका। यहाँ से आपको एक स्टडी रूम मिलता है बच्चों की स्टडी के लिए, जिसका साइज रहेगा 8 फिट 10 इंच बाय 11 फिट 4 इंच का स्टडी रूम हो जाता है। और जो किचन है वो हो जाता है 10 फिट बाय 12 फिट 4 इंच का आपका ये किचन हो जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर हमें लास्ट में एक स्टेयर मिलती है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक टॉयलेट है 8 फिट 2 इंच बाय 5 फिट का, और टॉयलेट के जस्ट लगा हुआ आपको यहाँ पर एक मिलता है बेडरूम 12 फिट 2 इंच बाय 14 फिट का, जिसमें आपको अटैच मिलेगा। यहाँ पर आप पूरा पोर्शन देख लीजिए, आई होप आपको यहाँ पर पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। 12 फिट 2 इंच बाय 14 फिट का आपका ये हो जाता है। इसमें स्टोर अटैच कर दिए है, जैसे कि रिक्वायरमेंट थी 5 फिट 8 इंच बाय 8 फिट 6 इंच का इसमें स्टोर अटैच है। और यहाँ से रियर यार्ड आपका है 9 फिट 6 इंच बाय 14 फिट 10 इंच का। अब रियर यार्ड से आप जाते हैं तो टॉयलेट मिलता है 5 फिट 8 इंच बाय 6 फिट का, ये आपका हो जाता है टॉयलेट। यहां से आपको एक और किचन मिलता है 9 फिट 8 इंच बाय 8 फिट का, ये किचन मिल जाता है आपको। यहां पर आपको एक और बेडरूम मिलता है, देखिए बेडरूम में यहाँ पर 13 फिट 11 इंच का ये साइज है आपका बेडरूम का। यहाँ पर दोनों तरफ से गेट ओपन रखे गए हैं, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। किचन 9 फिट बाय 8 फिट। रियर यार्ड से आप जाते हैं एक और बेडरूम 13.5 फिट बाय 10 फिट का मिलता है, यानी 13.6 बाय 10 फिट का। अब देखिए यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, 3.5 फिट का पैसेज भी यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप डायरेक्ट इस बेडरूम में जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर मैं जो बताऊँ कॉन्सेप्ट, तो वो ये है कि आप यहाँ से अगर एक डोर बंद कर देते हैं तो आपका ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से डोर अगर आप बंद कर देते हैं, इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से एक बेड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कर देंगे तो पीछे रेंट पर दे सकते हैं। तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पर चलते हुए यहाँ पर प्लानिंग की गई है, इस कारण यहाँ पर दो किचन भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। पूरा मैं इसका एक बार रिव्यू कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। वाइड फ्रंट, ड्राइंग, किचन एक, स्टडी, लॉबी जिसमें डाइनिंग रहेगा, टॉयलेट, और यहाँ पर 3 बेडरूम के साथ एक, यानी कि 2 किचन और 3 बेडरूम 1 स्टडी रूम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।